Hello Acho. Let's see the given question. The question says a pendulum consists of a bob of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length 1 meter. It is suspended from a fixed point at height h equal to 0.9 meter above frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. A horizontal impulse P having value 0 0.1, 0 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slides from some distance, the string becomes stout and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the simple of the pendulum about the point of suspension just before the uh, bob lift off is J kg meter square per second. The kinetic energy of the pendulum just after the lift off is K joules. The value of K is dash. So for this question, uh, the key concept we need to understand is the concept of फॉर्मूला so right? uh, लिखते हैं एम वी आर राइट जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका एल्स इट इज एम आर क्रॉस वी करते हैं राइट सो नाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन गिवेन इट सेल्फ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक uh, पेंडुलम गिवन है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वो पेंडुलम कुछ इस तरीके से एक हाइट से पेंडुलम जो है इस तरीके से सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ठीक है अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये जो हाइट हमें गिवन है ये हाइट गिवन है पॉइंट नाइन मीटर ठीक है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है पेंडुलम की वो है वन मीटर तो इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ स्ट्रिंग के अंदर स्लैक होगा बेसिकली राइट क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू द हाइट ठीक है अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने इसको एक लीनियर इम्पल्स इम्पार्ट किया लेट्स से पी तो अब ये क्या होगा इट विल स्टार्ट टू ट्रांसलेट अनलेस और अनटिल हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये टाउट हो जाए कम्प्लीटली इसमें टेंशन आ जाए ठीक है तो व्हाट वी कैन राइट वी कैन से तो वी कैन से नाउ के ये लेट्स सपोज ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गया ठीक है ना अब ये कंप्लीटली इसके अंदर टेंशन आ चुका है इसके अंदर कंप्लीटली टेंशन आ गया अब जैसे इसके अंदर कंप्लीटली टेंशन आएगा इट विल बी हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन राइट जस्ट बिफोर कंप्लीटली डाउट होने के जस्ट बिफोर जो इसकी वेलोसिटी होगी इन दिस डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट दैट वेलोसिटी लेट्स वी बोल देते हैं हम तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें पता है जो लीनियर इम्पल्स हमने इम्पार्ट किया आई दैट इज नथिंग बट बाई इम्पल्स मोमेंटम थियरम हम बोल सकते हैं इट इज द चेंज इन मोमेंटम राइट सो हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू हमें बेसिकली आई जो हमने इम्पॉर्ट किया है एक्चुअली पी बोला है हमने, तो जस्ट नोटेशन का फर्क है तो इट इज पॉइंट टू एंडल्स टू एम वी क्योंकि इनिशियली तो जो हमारा बॉब है वो रेस्ट पे था इनिशियल मोमेंटम विल भी जीरो फाइनल मोमेंटम हमने वेलोसिटी वी माना है मास वी तो, तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वी की वैल्यू क्या जाएगी? V will be coming out to be आ जाएगी वी विल बी कमिंग आउट टू बी पॉइंट टू फाइव मास हमें गिवन है पॉइंट वन के जी तो यह आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड तो इस इंस्टेंट पे लेट्स ए है पॉइंट बी है तो बी पे हम इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है अब ये तो, एक में the, uh, तो इसका अगर हम दो कॉम्पोनेंट कर लें वेलोसिटी के एक अलॉन्ग स्ट्रिंग एंड एक परपेंडिकुलर टू इट तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला uh, जो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वाला कॉम्पोनेट है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉब टू बी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ठीक है ना तो यहाँ पे हम अगर इसको देखें ये एंगल अगर हम मान लें कि थीटा एंगल है तो फ्रॉम द जोमेट्री सेल्फ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक हम डॉटेड लाइन बना दें तो दिस एंगल विल बी थीटा ठीक है सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा तो ये एंगल थीटा हो गया तो ये वी कॉस्ट थीटा हो जाएगा इसका कंपोनेंट तो वी कॉस्ट थीटा विल बी द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट तो हमें वी थीटा के बारे में बात करनी है तो ये वी थीटा से अब ऊपर की तरफ इट विल बी लिफ्टेड ऑफ विलिफ्टी थीटा विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिफ्ट ऑफ दिस बॉब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने वी तो कैलकुलेट कर ही लिया तो थीटा हमें कैलकुलेट करना होगा तो थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द ट्रेंगल इट सेल्फ ये वन मीटर लेंथ है एंड दिस इज पॉइंट नाइन मीटर तो फ्रॉम दिस ट्रेंगल हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू विल बी अपोजिट एडजन अपॉन हाइप तो पॉइंट नाइन आ रही है थीटा की वैल्यू ठीक है ना upon hypotenuse, that is this. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वी थीटा की वैल्यू है ठीक है अगर हम इस कॉम्पोनेट को मान कि है तो दैट इज थीटा की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1.8 अब हमें क्या करना होगा ये वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ लिफ्ट ऑफ हो रहा है तो हमें काइनेटिक एनर्जी जस्ट निकालनी थी उसके बाद जो कि के K है तो है और वी डैश की वैल्यू इट इज़ वी कॉस थीटा जो हमने वन पॉइंट एट निकाली राइट right? तो वन पॉइंट एट का स्क्वा तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा वन बाई टू इंटू पॉइंट वन इंटू 1.8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.8 1.8 स्क्वायर इट कम्स आउट टू बी 3.24 एंड लिखेंगे 3.24 एंड यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉइंट थ्री टू राइट और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा इसको तो फाइनली हम देख सकते हैं जो के की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है इट इज आउट टू या फिर जूल बोल सकते हैं सो पॉइंट जूल विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑल द बेस्ट